आज पापा नहीं है बट स्टिल जो सपना देखा है वो तो पूरा करना है यार, सीधी सी बात है दोस्तों, वो सपना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। ये मैं सो गया था, वैसे मैं दिन में जाता बट स्टिल अब जा रहा हूँ। 2-1 बजे के आसपास मेरी आंख लग गई थी और मैं सो गया था, पर कोई नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ। ये स्पेशल अनाउंसमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी है और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो फाइनल जो चीज़ है वो परसों जाके पूरी होगी, लेकिन अभी मैं आपको एक थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ, ताकि जो मैंने आपसे बोला है वो कम से कम क्लियर हो सके। तो मैं अभी चलता हूँ गाड़ी में आपको सीधा ले जाता हूँ। तो दोस्तों, मैं फाइनली यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और जैसा कि मैंने तुम्हें एक लास्ट मतलब अभी कुछ दिन पहले व्लॉग डाला था, उसमें बताया था मैंने कि मतलब कि मेरे 2 सपने हैं जो अभी अधूरे हैं। तो एक तो चलो अभी मतलब ये है कि उसकी मतलब उस पर काम चल रहा था बहुत टाइम से, एक अभी भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो ये है जिस पर काम चल रहा है, ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। क्योंकि एक कहते हैं ना कि मतलब कि आप बचपन से जैसे पले वाले होते हो, आप सपने देखते हो और सपने देखने के बाद उनको पूरा करना चाहते हो। कभी कभी जिसके लिए पूरा करना चाहते हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं होता, राइट। तो ये मेरी ख्वाहिश थी कि मतलब कि मैं अडियल और थोड़ा सा ज़िद्दी तो शुरू से ही था, लेकिन मैं थोड़ा सा ये पापा को थोड़ा सा दिखाना चाहता था कि मैं भी मतलब कुछ कर सकता हूँ। मम्मी जैसे मेरे को बातें बताती है तो वो इस तरीके से बताती है, मतलब ऑब्वियसली मेरे को याद भी हैं ये बातें कि जब मैं अपने मन की करता रहता था ना, तो जब वो कहती थी मतलब पापा कहते थे मम्मी से कि जितना तू यकी ओढ़ ले ना, देखिए ही होटल इन पे कप प्लेट ही मान जाएगा। वैसे तो पापा, मैं सही बताऊँ, मन ही मन में मेरे को ऐसा मानते थे कि मैं थोड़ा बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो सबके मम्मी के सामने और वैसे मेरे को थोड़ा सा ऐसे ही बोलते थे ताकि इस पे ये चीज़ काम करे, ताकि ये वो चीज़ करे जो ये कर सकता है, जो मतलब कि थोड़ा सा वो होता है ना कि पापा ने मुझ में वो चीज़ पहले देख ली थी कि ये थोड़ा बहुत कुछ कर सकता है। तो मतलब उन चीज़ों से पापा हमेशा मेरे को याद दिलाने की कोशिश करते, तो मेरे को चिढ़ लगती थी बहुत ज़्यादा। मैं मन में ही सोचता था कोई ना, देख ही जाएगी, मैं भी करके दिखाऊंगा। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने एक छोटी सी चीज़ क्या सोची थी। आज पापा नहीं है बट स्टिल जो सपना देखा है वो तो पूरा करना है यार, सीधी सी बात है। तो जैसे वो घर बना दिया था, कब वो 2018 में ख़रीदा था और 2019 में वो घर बना के तैयार कर दिया था, राइट। तो 2019 में ही मैंने सोचा था कि यार एक घर तो हो गया, एक कमर्शियल मतलब थोड़ी सी दुकानों टाइप भी जगह हो और बढ़िया सी जगह हो तो मज़ा आ जाएगा, थोड़ा पापा का नाम उस पर लिखा जाएगा, मतलब बढ़िया बात हो जाएगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। वो सपना है ये, अरे नहीं, ये तो मेरा ही सपना था, ये तो मैंने अभी अप्रैल में ली थी लास्ट, इसको 1 साल हो जाएगा शायद अब, ठीक है। तो वो है ये, आप ये देख रहे हो, यह पूरा यहाँ से वहाँ तक, और मैं आपको दिखाते चलता हूँ, थोड़ा दूर से भी दिखाऊंगा आपको। और वहाँ से लेकर वहाँ तक ये पूरा है और ये जाना है बहुत ऊपर, उसमें तो लगेगा मेरे हिसाब से बहुत टाइम, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से सालों लग जाएंगे अभी तो, लेकिन ये कम से कम ये मैंने ख़रीद लिए और मम्मी पापा के आशीर्वाद से चलो लाइफ में इतना तो हुआ है, चलो इतना तो कर पाया। तो ये जितने भी चीज़ ये देख रहे हो, यहाँ से लेकर ये वहाँ तक की दुकान है, एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ। वहाँ तक जहाँ वो लास्ट शटर लग रहा है, ये यहाँ से लेके वहाँ तक, ये सारा माँ बाप के आशीर्वाद से ले लिया है, लेकिन इसको बनाने की पूरी कोशिश करी जाएगी, पूरी मेहनत करी जाएगी ताकि ये ऊपर तक बने बढ़िया तरीके से। और
बस यही मैं आपको दिखाना चाहता था, कुछ चीज हम सोचते हैं तो पूरा करने की कोशिश करते हैं, और सच्चे दिल से और ईमानदारी से जब कोई चीज करते हैं ना और मेहनत लगाते हैं जी जान से, तो वो हो जाती है। तो कुल मिला के मैं आपको आज तक इसलिए नहीं इसके बारे में, क्योंकि ये खरीद तो बहुत पहले ली थी लेकिन बता इसलिए नहीं रहा था, लेकिन क्योंकि फाइनल पेमेंट नहीं हुई थी, भगवान की दुआ से अब ये अपनी है। और इस सपने की शुरुआत तो पहले ही हो गई थी, बहुत पहले, लेकिन ये ख़त्म शायद बहुत मुश्किलों में जाके होगी, क्योंकि बहुत पैसे लगेंगे अभी इसको बनाने में। कोई नहीं, अपना दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं, भगवान ने चाहिए तो वो भी कर देंगे। मैं कर दूंगा, मैं लगता है मुझे यार, क्योंकि ऐसे ऐसे दिन देखे हैं ना, मतलब एक होता है ना कि कभी ये सोचता हूँ कि यार मेरे पापा इतने मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत करने के बाद भी ना इनको वो चीज़ नहीं मिली, वो चीज़ ना मैं मन ही मन में सोचता हूँ वो चीज़। लेकिन कभी कभी मैं अपने नेचर को भी थोड़ा सा बुरा बोलता हूँ कि चलो ठीक है, चीज़ें तो बाद में मिल जाती हैं, हो जाती हैं, मैं काश थोड़ा अच्छा होता, मतलब कि नेचर, मतलब कि प्यार से बातों को दिलों पे लेने वाला नहीं होता, प्यार से बातें बोलने वाला होता, तो मतलब कि पापा के टाइम के जितने भी वो पल थे, मतलब जब तक थे, तो वो बहुत अच्छे होते। मैं सच बताऊँ ना आपको, मैंने नहीं करा अपने पापा को कभी हग, कभी भी। ठीक है, अब चलते हैं, अब थोड़ा सा घर पे प्रीत को लेके जाना है, क्योंकि हवन बढ़िया तरीके से हो गया है, वो सारे व्लॉग आपने देख लिए, सीधा घर चलते हैं एनी को लेके। तो दोस्तों, अब अर्जुन इंटरव्यू ले रहा हूँ वंशु को, इनकी पढ़ाई के एक एक साल आगे बढ़ने को हुए, और अर्जुन पता कर रहा हो कि इसमें कितनी नॉलेज है, कितना ज्ञान है। इंटरव्यू वाला भी डरने को है, इंटरव्यू लेगा, डर तो नहीं रहे? आर यू रेडी? Of course. की स्पेलिंग सुना पहले। एक्सेलरेशन की सुना। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। जो बाइक में एक्सेलरेट होता है। अच्छा, एक्सेलरेट। हाँ, जो वो प्रक्रिया होती है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। सुनो। बैलिस्टिक सुना। सुनो। EXLERATION बेटा, ये वो एक्सेलरेशन। हाँ, चल ठीक है। दूसरा वेलोसिटी की सुना ना? वेलोसिटी की सुना। और फिजिक्स नेशन सुना? फिजिक्स नेशन। PHYSIC फिजिक हो गया, और क्या था? एस तो लगाओ फिजिक। चलो ठीक है, दूसरा अर्जुनेशन अवेलेबल। अर्जुनेशन अवेलेबल। ARJ भाई, पहले तुमने बोला यू वर्ड कौन सा हो, तू तो थ्री इडियट की तरह कर रहा हो। अर्जुनेशन ARJUNATION अर्जुनेशन AVAILABLE अवेलेबल। अवेलेबल में कितने डिजिट होते हैं? अवेलेबल में कितने लेवल हो? AVAILABLE इतना नहीं है, डार्क गेम में आंसर। ठीक है, और दूसरा सवाल जल्दी से। एक्टिवेशन एशन और सुना। एक्टिवेशन एशन, ये मूवी ना बताओ। एशन 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 एक्टिवेशन एशन ACTIVATION एक्टिवेशन है ना? व्यूअर देखने वाले कहेंगे ना भाई ये वर्ड तो हमने भी कभी ना सुना। कंफ्यूजन है सॉल्यूशन का पता नहीं। सॉल्यूशन अगरबत्ती राख हो गई। गुप्पू क्या कर, गुप्पू मेरे को तू भी स्पेलिंग सुना दे, मदर की स्पेलिंग सुना दे। नहीं आती। वो वेरी इनोसेंट, ये दिल साफ है इसका।
नहीं आता तो मना कर दिया। अरबिजेंद्र इसका डैड है। हाँ तो कहाँ जाना है, डैड के पास या फिर और कहाँ? अनी मामा के घर। चलो अब। हाँ बेटा, बहुत सारी आइसक्रीम लेके। ठीक है, ओके। दिस वन इज स्पेलिंग। मम्मी मुझे ना बहुत सारी, मुझे आइसक्रीम खाने भूख लग रही है बहुत जोर से। गिव मी आंसर। अर्जुन जी हॉट सीट पे बैठा रखे। हॉट सीट? हाँ बताओ, विनर प्राइस तो बता दे। विनर प्राइज है, मैं बता रहा हूँ, दो घूसा। ना ना, इसके दिमाग में घूसा जरूर है, घूसा। बच्चा पढ़ाई में हार को, तो ये बच्चा है ना, अकल में थोड़ा कच्चा है। अर्जुन सबका क्या है? कच्चा है। अच्छा भाई है। हाँ ये कौन सी शायरी हुई? ये मैंने कसम खाई है। सोनिया दीदी और प्रीत वो चीज कर रही है जिन पे मैं विश्वास नहीं करता, पर क्या क्या मतलब वो बहन जब भर भर कर आए तो नजर आए। जैसे मधुमक्खी भिन भिन कर आए। हाँ तो समझ लो ऐसे बात कर रहे तो एनी की नजर उतार रहे हो। पहला बात सुनो है मम्मी। हाँ। नजर हो गए। हाँ भैया, पर इन बच्चों पे हमारे बच्चों ज्यादा मालूम कि बहन नजर ही ना लगे। YouTube वालों से विनती करता हूँ कि गाली को सुनके वीडियो को डिलीट मत करना। मम्मी हमको गाली दे रही है कि इनको नजर ही नहीं लगी। मम्मी वो तो लगेगी, नजर क्यों ना लगी तो क्या ठीक है, यही नजर लग जाओगे। नागी बहन दे या चीज सही करो यहाँ, या तो ऑल आउट तो लगाओ। मतलब ऑल आउट पता नहीं कैसे खवा दिए कल का आज आज में। ये सो गो, ये तो जाने की कह रहा है। सो गई परसों ले जाऊंगा, परसों ठीक रहेगा। आज बेटा है नहीं ऐसा कर, तो यही रहे मम्मी। मम्मी वैसे रख भी लेगी तो मम्मी बढ़िया तरीके से ख्याल रखेगी एनी को, हमसे तो बढ़िया तरीके से रखेगी। सॉरी अभी तो भगी डोली काम करो, कोई भी करेगी। अभी तो भगने पे, अभी तो भगूंगी और तेरे लड्डू बनाने। बाकी माने भी सूखो सौदा भेज दियो। सूखो मतलब सास पे बनवा लीजिए। मम्मी फिर मेरे को ना आप वाले लड्डू पसंद आए, मैं कहा वो मेरे से खाए जाएंगे, खा करें ना, तो इस वजह से मैं कहा मम्मी पे डलवा दूंगी। तुमको खा करें या वे बढ़िया लगे। 5 किलो घी के बनाए, ना ज्यादा मीठे थे ना वैसे थे, टेस्ट है, दूध भी पिया जाता था। तुम्हारा जो चून है ना वो तुम पैकेट वाला चून खाते हो, बाकी ना बने उसके लड्डू नहीं बनेंगे। अच्छा अपना घर धोए के सुखाए हो, मैंने पिसवाए हो। अच्छा। देख उधर कट्टा भरो, यही में तो 5 किलो तेरे लिए भूनेंगे, 5 किलो इस बहुरानी के लिए भूनेंगे। एक दिन तेरे लड्डू बनाएंगे, एक दिन इसके बनाएंगे, लड्डू खाएंगे। रेल तगड़ी बन रही है। अब मम्मी इतना सारे खा लेगी ना शुगर? अरे खाऊंगी मैं। खाएंगे और क्या, खाएंगे फिर कैसे मम्मी भर रही है, क्या खा रही है।